आज हम लोग फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में स्टडी करेंगे। फंक्शन ऑफ ब्लड में ब्लड का डिफरेंट डिफरेंट रोल है, जो इस फिगर में आपको दिख रहा है फ्लो चार्ट में। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। तो न्यूट्रिएंट्स, जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का ट्रांसपोर्टेशन लिम्फ के थ्रू होता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में जैसे यूरिया का ट्रांसपोर्टेशन, क्रिएटिनिन का ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती हैं, ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज, ये हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ ही चुके हैं। इसके अलावा ये ब्लड के पीएच को भी मेंटेन करता है। इसके अलावा ये बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। ये ब्लड डिफरेंट डिजीजेस से हमको बचाता है। हार्मोन्स के ट्रांसपोर्टेशन को भी मेंटेन करता है। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर कहीं चोट लग जाती है तो उसको घाव भरने में और वहाँ पर ब्लड को एक्सेसिव लॉस होने से बचाता है। इसके अलावा बॉडी के वाटर बैलेंस को भी मेंटेन करता है। तो ये इसका मेजर फंक्शन है। इसके बारे में आप सभी लोग डिटेल में पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। बस एक समरी हमको देनी थी, वो दे दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है, तो हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन पार्ट होते हैं। पहला है ब्लड। सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन पार्ट होते हैं। पहला है ब्लड, दूसरा है ब्लड वेसल्स और तीसरा है हार्ट। चौथा भी होता है लिम्फ। फिलहाल हम लोग ब्लड वेसल्स के बारे में अब डिस्कस करेंगे। तो ब्लड वेसल्स तीन तरीके की होती हैं, थ्री टाइप्स, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। आर्टरीज वो होती हैं जो हार्ट से, ये हार्ट है तो हार्ट से ब्लड को जो दूर ले जाती हैं उसको कहते हैं आर्टरी। और वेन्स वो होती हैं जो हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर के जाती हैं। ये वेन हो गया, ये आर्टरी हो गया। और कैपिलरी वो होती हैं जो आर्टरी को वेन से जोड़ती है। ठीक है, आर्टरी आर्टेरियोल में ब्रेक करती है। ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है, ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है कि आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस है कि आर्टरी ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है। बहुत ही मेजर डिफरेंस है। जनरली आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी को। पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरी आर्टेरियोल में ओपन होती है और आर्टेरियोल कैपिलरी में ओपन होता है। देखिए ये आर्टरी है, ये वेन है, ये हार्ट से ब्लड को लेकर के आ रही है और ये आर्टेरियोल में है, ये आर्टेरियोल है, आर्टेरियोल फिर फाइन कैपिलरीज में ब्रेक हुआ। ठीक है, ये फाइन कैपिलरीज फिर यूनाइट होकर के, यहाँ देखिए ये फाइन कैपिलरीज फिर यूनाइट हो गई और फिर उसके बाद ये वेन्यूल में ओपन हुई। किस में? वेन्यूल। और ये आर्टेरियोल है, ARTEROLE आर्टेरियोल है। तो आर्टरी हार्ट से ब्लड लेकर के आती है, आर्टेरियोल में ओपन होती है, आर्टेरियोल कैपिलरी में ब्रेक होता है, ये कैपिलरीज फिर यूनाइट होकर के वेन्यूल में ओपन होती है और वेन्यूल वेंस में ओपन होते हैं और वेन्यूल से फिर ब्लड हार्ट की तरफ जाता है।
कैपिलरीज क्या होती है? कैपिलरीज आर फाइन नेटवर्क्स ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं। ये देखिए फाइन नेटवर्क्स ऑफ ब्लड वेसल्स है जो आर्टरी को वेन से कनेक्ट करती है। कैपिलरी वेन्यूल में ओपन होती है, वेन्स में ओपन होते हैं। द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट इज कॉल्ड वेन। ऐसी ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर के ट्रैवल करती है, कैरी करती है, उसको वेन कहते हैं। तो आर्टरी और वेन का मेजर डिफरेंस, सबसे पहला डिफरेंस यही रहेगा कि कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट आर्टरी, कैरी ब्लड टूवर्ड्स हार्ट वेन। कुछ डिफरेंस है आर्टरी वेन और कैपिलरीज में। आर्टरी और वेन और कैपिलरीज की जो ल्यूमेन होती है, तो आर्टरी की नैरो होती है, वेन्स की वाइडर होती है, जबकि कैपिलरी की बहुत ही नैरो होती है। आर्टरी में वॉल्स एब्सेंट होती है और कैपिलरी में भी एब्सेंट होती है, लेकिन वेन्स में प्रेजेंट होती है जो बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को कंट्रोल करती है। इससे ब्लड का फ्लो जो होता है टूवर्ड्स अवे फ्रॉम द हार्ट होता है आर्टरी में, जबकि ब्लड में टूवर्ड्स हार्ट होता है, और कैपिलरी में ये आर्टरी को वेन से जोड़ती है। ठीक है, ब्लड प्रेशर आर्टरी में हाई होता है जबकि वेन्स में लो होता है, और कैपिलरीज में बहुत ही कम होता है, एक्सट्रीमली लो। ब्लड फ्लो जो होता है ये रैपिडली होता है और जर्क के साथ होता है। वेन्स में स्मूथली होता है, विदाउट जर्क के साथ होता है, और कैपिलरी में भी स्मूथली होता है विदाउट जर्क के साथ। काइंड्स ऑफ ब्लड कैसा होता है? अगर हम आर्टरी की बात करते हैं तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी को। वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन को। और ये कैपिलरी में ऑक्सीजनेटेड टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चेंज होती है, ब्लड चेंजेस फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड टू डीऑक्सीजनेटेड। लोकेशन की बात करते हैं तो आर्टरी ज़्यादा शरीर की गहराइयों में स्थित होता है, जबकि वेन्स जो होती हैं वो सुपरफिशियली शरीर की सतही भागों में पाई जाती हैं, और वेन्स जो होती हैं और जो कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरी का जो नेटवर्क होता है, जाल होता है, पूरे बॉडी में और ऑर्गन्स में फैला होता है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने वेन्स, कैपिलरी और आर्टरी के बारे में डिटेल स्टडी किया। थैंक यू।